तो भाई लोग क्या हाल चाल है, होप सब बढ़िया। तो गाइस ये वाला मैच पे क्या होता है कि एक स्क्वाड ने मेरी टीममेट को भाई बहुत ही गंदी वाला मारा और अकेला मैं बचता हूँ और भाई अकेले ने मैंने उस टीम की क्या बजाई ना, बस तुम वीडियो को एंड तक देखना। फिलहाल मैं तो पायलट प्लाजा में अपने टीममेट के साथ भरी, बट यहाँ पे लैंडिंग काफ़ी गलत हो जाता है। सो दैट्स पर यहाँ पे ऑलरेडी बंदे आ चुके थे और मुझे एक गन चाहिए था जो ऊपर मुझे मिल जाता है और सामने यहाँ पे 3 XP मिल चुका था। तभी मेरे को एक गन की साउंड आता है, मैं लोकेशन को टैग करता हूँ जहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है जिसको मैंने नॉक कर देता हूँ। शायद बंदा ऑफलाइन था एंड तभी मुझे और एक बंदा यहाँ पर दिखता है जो भाग के आगे यहाँ पे लूट कर रहा था, तो इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया। तो अब यहाँ पे मेरी गन पे ज़्यादा एमो नहीं था, सो दैट्स मैंने सोचा कि उस बंदे को फिनिश करके थोड़ा बहुत लूट वूट कर लेते हैं। एंड तभी मुझे यहाँ से किसी ने स्प्रे दिया और वो बंदा सामने वाले घर पे था और वहाँ पे मेरी टीममेट भी था, तो वो बंदा फिर से लेट जाता है और फिर से वो बंदा मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे देता है। मैं उसको इग्नोर करके आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एमो नहीं था, लेकिन इसको पहल के मुझे अगर एमो मिल गया तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो उसको मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, तब तक मेरी टीममेट ने भी उसको वहाँ पे फिनिश कर देता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लूट बूट कर लेता हूँ, उसके बाद ऊपर की साइड आता हूँ। तब मुझे सामने वाली ये वाली घर पे एक बंदे ऐसा लगा और ये क्या था मेरे को तो समझ ही नहीं आया था। अब पहले तो लगा मेरे को बॉट और उसके बाद जो स्प्रे दिया ना इसने बहुत ही खतरनाक, बट बॉट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है सो बढ़िया लगेंगे खेलने में। तो इसको भी मैंने यहाँ पे फिनिश कर दे दो। बाकी साइड से भी गन की साउंड आ रहा था, मेरी टीममेट तो ऑलरेडी था और कति मेरे को किल ज़्यादा चाहिए तो मैं तो इसको फूट देता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे पहल देता हूँ। पहले तो इसको किल कंफर्म कर लेते और मेरे को यहाँ पे गन चाहिए था क्योंकि अच्छी खासे गन तो मेरे को नहीं मिला था, चाहिए M4 चाहिए था और वो मुझे यहाँ पे मिल जाता है शायद इस बंदे से। ओके अभी देख सकते हो मेरी टीममेट ने एक बंदा तो भाई ऑफलाइन था, बाकी 2 टीममेट के साथ में जा रहा था थर्ड हिल पे, लेकिन तभी मुझे सामने हल्का सा एक बंदा भागते हुए दिखता है और बंदे ने यहाँ पे काफी जिगल दिया था लेकिन एंड देन मैंने उसको यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। एंड पीछे देखा तो इसकी और एक टीममेट भी आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी नॉक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ये बंदा बच के निकल जाता है और फाइनली इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं नॉक करने के बाद फौरन जाने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरी जो टीममेट है वो भी पीछे पीछे आ रहा था। एंड तभी मुझे यहाँ पे हल्का सा एक गाड़ी की साइन आता है और नदी के इस पार भी एक टीम आ चुका था। इस बंदे को मैंने यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ और मैं यहाँ पे देखने की ट्राई कर रहा था कि इसकी जो बाकी की टीममेट वो कहाँ था, बट इसके बाकी की टीममेट नहीं था। एक बंदे को तो मैंने यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ लेकिन बाकी और एक बंदे को मैंने नॉक किया था, वो बंदा शायद नीचे की साइड भाग गया था। एंड तभी वो वाला स्कोर भी मेरे को इस पर दे रहा था और तभी देखा तो ये बंदा भाई नदी क्रॉस कर रहा था। फिलहाल यहाँ पे तो छुपने की कोई जगह नहीं थी, फिलहाल मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो बंदा। तभी मेरे को सामने मेरी टीममेट ने लोकेशन देता है कि यहाँ पे बंदे आ रहा है, मैंने भी उसको ऑलरेडी देख लिया था, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे हेल्थ थोड़ा बहुत कम चुका था और मेरे पास कोई हेल्थ किट नहीं था। एंड तभी यहाँ पे मेरी टीममेट ने आकर इसको उड़ा देते हैं, शायद मैंने उसको देखा था पहले लेकिन मेरी टीममेट ने जब मार किया था ना मैंने सोचा कि मेरी टीममेट होगा, लेकिन वो तो वहाँ से निकल जाता है। और तभी ये बंदा यहाँ पे मेरे को दिखता है ये टावर वाले घर पे और उसको मैं थोड़ा सा टैप टैप करके इस पर देने की कोशिश करता हूँ और मैंने सोचा कि इस वाली क्रेट देखते हैं, अगर मेरे को कुछ हेलकिट वगैरह मिल जाए तो बढ़िया था, बट यहाँ पे मेरे को मिलता नहीं है और मैं यहाँ पे आके मारने की कोशिश करता हूँ। और वहीं पे मैंने गन को सिंगल करके रखा था जो मैंने ऑटो नहीं किया था, शायद उसकी वजह से मेरी हेल्थ इतना जा चुका था। फिलहाल मैं यहाँ पे आके थोड़ा बहुत बैंडेज लगा लेता हूँ एंड तभी सामने जो है मैं यहाँ पे फ्लैंक करके आ जाता हूँ, लेकिन मेरी एक ही टीममेट बचा था और एक टीममेट को तो ऑलरेडी ठोक दिया था और वो बंदा जो है वो प्रेस से जाने की कोशिश कर रहा था जिसके बाद वहाँ पे बहुत ही गंदे वाला मार देता है। फिलहाल वो जो टावर वाले घर पे एक ही बंदे को मैंने देखा था और जब मैं इस पर आता हूँ तभी मेरे को वही एक ही बंदा दिखता है जो खिड़की पे था। तो मेरी टीममेट को वहाँ पे नॉक करके फिनिश कर देते, इसको मैं हल्का सा डैमेज देता, वो यहाँ पे आके हेल्थ लगा रहा था तो इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर उसकी और एक टीममेट भी था और यहाँ पे तभी मेरे को एक फुटस्टेप आता है, यहाँ पे एक बंदा है
और ये भी उसकी एक टीममेट था, तो इसको मैंने यहाँ पे नॉक किया। अपनी में हेल्थ जा रहा था और इस बंदे को भी पहलना पड़ेगा क्योंकि इसके पास से मेरे को हेल्थ किट चाहिए था जो मुझे मिल जाता है, और मैं यहाँ पे फ़ौरन लेट जाता हूँ और दो दो हेल्थ किट मिल जाता है। पहले तो अपनी हेल्थ लगा रहा था एंड तभी देखो तो सामने से दो बंदा निकल के आ रहा था। अब भाई मेरी गांड फट चुकी थी यहाँ पे, बट तुम देखना कैसे संभालता हूँ मैं। और गाइज ये वाला क्लच अगर बढ़िया लगा तो एक लाइक बनता है। वैसे भी आगे और भी खतरनाक क्लचेस है जो 1v4, वो देख के जरूर जाना। वीडियो छोड़ने की मत भी मतलब सोचना भी मत, क्योंकि आगे जो क्लास है ना वो बहुत ही खतरनाक। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लूट तो कर लेता हूँ क्योंकि जोन काफ़ी दूर जा चुका था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ और यहाँ पे ज़्यादा एमओ भी नहीं उठा पाया और मैं भागे भागे आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। एंड तभी मेरे को सामने से एक प्लेयर गन की ड्रॉप दिखता है और एक बंदा ओपन पे दिखता है, शायद वो बॉट था। और भाई यहाँ पे सामने और एक फुल स्क्वाड था जो वो वाली बॉट को ठोक देता है। मैं यहाँ से मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ से इतनी दूर से जो है नहीं मार पाऊँगा, वैसे भी मेरा एमओ भी ज़्यादा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ से निकल लेते, एक बंदे को तो मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब एक को नॉक करने के बाद देखा तो मेरे गन की एमओ ज़्यादा नहीं था। वैसे अगर इतने दूर से मारने की ट्राई करूँ वैसे एक दो बंदे को ही नॉक कर सकता हूँ, बाकी मेरी गन की एमओ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई मैं फ़ौरन निकल पड़ता हूँ वो वाले बंदे को मारने के लिए। और बट देखना यहाँ पे जो सीन होने वाला है ना बहुत ही खतरनाक। पहले तो मैंने सोचा कि भाई हाथ से नेट पकड़ के लेके चलता हूँ और सामने जाके मतलब ये वाले घर से पीछे से फेंक दूंगा, बट क्या होता है यहाँ से मेरी हाथ से नेट गिर जाता है, कभी कभी ऐसे होता है और ये गलती से यहीं पे हो जाता है। मतलब मैं इसको टैप करके रखना चाहता था बट वहीं पर गिर जाता है और एक नेट जो फोड़ जाता है। मैं और एक ट्राई करता हूँ बट तब तक मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल चुका था। मैं यहाँ पे फ़ौरन अपने एक हेल्थ लगा लेता हूँ और एक एक करके भाई आने लगा था ये वाले स्क्वाड, बस तुम देखना कैसे ठोकते हैं वाले टीम को। और जब मैंने इसको नॉक किया ना फ़ौरन मेरे को एक फुट स्टेप आ रहा था बहुत तेजी से, और भाई ये वाला क्लच के लिए तो एक सब्सक्राइब बनता है तुमने अभी भी नहीं किया हो तो। फिलहाल देखो ये चार को मैंने यहाँ पे डब्बा बना देता हूँ एंड इतनी टाइम पे भाई जोन भी स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुका था अपने हेल्थ चेक करके, मैं थोड़ा बहुत लूट बूट करूँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ बैंडेज ही पड़ी थी, हेल्थ किट तो नहीं था और गन की एमओ भी ज़्यादा नहीं था। मैं एक बार सोचा कि वापस चलते थोड़ा बहुत एमओ उठा के लेके आते, फिर मैंने सोचा कि भाई अगर डैमेज काफ़ी ज़्यादा जाएगा, वैसे मैं थोड़ा सा लूट कर सकता था बट मैंने यहाँ पे नहीं लूटा। मैंने सोचा सामने वाले घर से मिल जाएंगे मुझे और यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत एमो मिल जाता है, तभी बहुत ही गंदी वाला स्प्रे आता है। यहाँ पे मेरे पास जैसे कि कुछ बैंडेज पड़ी थी तो मैंने सोचा पहले तो अपने हेल्थ ठीक कर लेते उसके बाद आके जाके मारने की ट्राई करते हैं, और यहाँ पे मैं अपनी बैंडेज लगा लेता हूँ। फिलहाल मैं इस साइड से जब भाग रहा था तो मुझे एक बंदा दिख जाता है और मैं ये वाली जगह पे आता हूँ और यहाँ से एंगल लेके उस बंदे को नॉक कर देता हूँ, और तब इसकी वहाँ पे और एक टीममेट था और यहाँ पे ये बंदा गिली सूट पे था तो इसको मैंने थोड़ा सा इस पे दिया। मैंने सोचा ये बंदा इसको रिवाइव देने बैठेंगे तो दो ही बंदा है, लेकिन यहाँ पे बंदे थे तीन, यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब मैंने सोचा कि ये जो गिली सूट वाला इसको रिवाइव देंगे तो मैं आके इसको फोड़ दूंगा मतलब नेट बिट करके, बट यहाँ पे तीन बंदे थे। तो गाइस यही था गेम प्ले, आई होप तुम लोगों को बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।